हेलो बच्चों, आज जो एक्टिविटीज़ करने वाले हैं हम वो है आर फेस्टिवल, है ना। हमारे जो त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके के हमारे फेस्टिवल होते हैं, है ना। आर फेस्टिवल, हमारे फेस्टिवल। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट जो पिक्चर दिख रही है वो कौन से फेस्टिवल की दिख रही है? दिवाली, है ना। किसकी दिख रही है? दिवाली। यहाँ पर देखिए, ये दिया बना हुआ है। यहाँ पर पिक्चर में भी इसको किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं दिवाली फेस्टिवल को, उसकी भी पिक्चर दिख रही हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम आफ्टर स्पेंडिंग 14 years इन द फॉरेस्टिस। पीपल सेलिब्रेट दिवाली बाय लाइटिंग दियाज, डेकोरेटिंग देयर हाउसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। मीन्स यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर दिवाली की जो पिक्चर दिख रही है, आर फेस्टिवल हमारे त्यौहार में, इसको हम बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं ये फेस्टिवल को। इसमें क्या करते हैं, जो पीपल होते हैं, पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली बाय लाइटिंग दियाज, डेकोरेटिंग देयर हाउसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। दिवाली इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। मतलब यहाँ जो लोग होते हैं वो दिवाली पर बहुत सारे लाइट्स जलाते हैं, दियाज जलाते हैं, बहुत सारा डेकोरेशंस करते हैं, साफ सफाई करते हैं, और जो मिठाइयाँ होती हैं उनको एक दूसरे रिलेशन में या एक दूसरे की पहचान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिवाली जो है, दिवाली इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली पूरी तरीके से प्रकाश में लाइट्स जो है उसका त्यौहार है ना, फेस्टिवल है। सेकेंड देखिए, सेकेंड यहाँ पर जो पिक्चर है वो किसकी है बेटा? होली। आपको यहाँ पर जो सेकेंड पिक्चर दिख रही है वो किसकी दिख रही है? होली। होली मीन्स जो हमारा जो सबसे कलरफुल फेस्टिवल होता है, जिसमें जिसको हम सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और उसमें हम गुलाल वगैरह सब एक दूसरे को लगाते हैं। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। पीपल प्ले होली विथ गुलाल एंड कलर्ड वाटर। वी शुड नेवर थ्रो वाटर बलून्स एंड पीपल एज इट मैनी हर्ट देम। टेल यूर फ्रेंड्स हाउ डू यू सेलिब्रेट होली। मीन्स यहाँ पर जो आपको पिक्चर होली की दिख रही है, इसमें हम सभी जो लोग होते हैं वो बहुत सारे कलर्स, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स, ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, वाइट, इस तरीके के कलर्स का यूज़ करते हैं। और फिर इसके अलावा उसमें हम पिचकारी रहती है, उसमें भी बहुत सारे जो कलर्स होते हैं उनको पानी में, वाटर में मिक्स करके घुलाकर और फिर पिचकारी भरकर एक दूसरे को मारते हैं। और मतलब बहुत कलर गुलाल वगैरह से हम खेलते, गुलाल से, कलर से, इस तरीके से हम जो होली वाला फेस्टिवल होता है उसको हम बहुत कलरफुल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो पिक्चर आपको दिख रही है ये किसकी दिख रही है? क्रिसमस डे की, है ना। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 25th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस। पीपल गो टू चर्च टू ऑफर प्रेयर्स। दे विश इच अदर मैरी क्रिसमस एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। मतलब जो क्रिसमस डे वाला जो फेस्टिवल होता है वो कब मनाया जाता है? 25th दिसंबर को मनाया जाता है। और इसमें देखिए, जो ट्री होता है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, एक दूसरे को इस फेस्टिवल में गिफ्ट करते हैं, है ना। बहुत सारे क्या करते हैं, जो गिफ्ट होते हैं वो भी एक दूसरे को देते हैं। और यहाँ पर इसको हम
सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पिक्चर है वो ईद उल फितर। ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड द रमज़ान। ऑन दिस डे पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू नमाज और प्रेयर्स। आफ्टर नमाज दे विश इच अदर ईद मुबारक एंड शेयर स्वीट्स। मतलब जो ईद का त्यौहार होता है ये मोमडन लोगों का त्यौहार होता है, मुसलमानों का त्यौहार होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम मतलब जो मोमडन लोग होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसमें रमज़ान चलते हैं पहले, उसमें इसमें फास्ट रखते हैं, और फिर उस दिन जिस दिन ईद उल फितर रहता है उस दिन न्यू क्लॉथ्स मतलब नए कपड़े पहनते हैं, और एक दूसरे को ईद मुबारक करके एक दूसरे को गले लगाते हैं, और साथ में स्वीट्स भी मिठाइयाँ भी शेयर करते हैं, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर रक्षाबंधन की आपको ये पिक्चर दिख रही है। रक्षाबंधन सिस्टर ब्रदर मतलब भाई बहन का एक त्यौहार होता है। इसमें बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं, और भाई जो होते हैं उनको बहुत सारे मतलब गिफ्ट भी देते हैं, साथ में उनकी रक्षा करने का भी वादा करते हैं कि हम हमेशा आपका ध्यान रखेंगे, और ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वो भाई बहन के बीच के प्यार हर का त्यौहार होता है, जिसको बहुत सम्मानित रूप से मनाया जाता है हर साल। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर हमने जो एक्टिविटीज़ करी है आर फेस्टिवल मतलब हमारे जो त्यौहार होते हैं दिवाली, ईद उल फितर, रक्षाबंधन, होली, क्रिसमस, ये सारे जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उनको किस तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर इस एक्टिविटीज़ में जाना। थैंक यू।